Hello student, today we are about our body is a wonderful machine. Our body is a wonderful machine with many parts. Each part has a special work to do. Hame pata hai hai. Our body can do many things. It can see, taste, feel and move. Hamari body kya kya kar sakti hai? Bahut sari things hai jo kar sakti hai. But hame jo regularly pata hai wo kaisi hai? Jaise ki see, yani dekh sakna, taste karna, feel karna, move karna, ye sari cheeze. Ab hamari body mein kya kya cheeze hain? Ye sab kaise hota hai? To wo hum dekhte hain. Sense organs. We have 5 sense organs. Eyes, ears, nose, tongue and skin. Ye hamare 5 sense organs hai. Our sense organs help us नो अवर सराउंडिंग हमारे आसपास की चीज़ों को जानने के लिए दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन एंड ब्रेन हेल्प अस नो एवरीथिंग वो ब्रेन जो को मैसेज भेजता है और ब्रेन हमें क्या करता है सारी चीज़ों को जानने में मदद करता है देखो फर्स्ट पिक्चर देखो आई कैन सी द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई विथ माई आइस हम अपनी आइस से ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को देखते हैं सेकेंड इज आई कैन स्मेल द फ्लावर विथ माई नोज हमारी नोज से हम उसे स्मेल करते हैं आई कैन टेस्ट द केक विथ माई टंग नेक्स्ट इज आई कैन हीयर द बार्किंग ऑफ डॉग विथ माई ईयर्स जब कुत्ता भौंकता है तो हमें किससे सुनाई देता है हमारे ईयर्स से आई कैन फील द सॉफ्ट टेडी बियर विथ माई स्किन हमारी स्किन से हम फील करते हैं वॉट इज अवर बॉडी मेड अप ऑफ हमारी बॉडी किससे बनी है उसके बारे में हम जानते हैं सो अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स सिमिलरली अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स जैसे कि वो हाउस जो है वो ब्रिक्स से बना होता है वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी होती है सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी और सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन अवर बॉडी और हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं लेट अस नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी सेल्स जो देखो रेड कलर के दिए हैं ये हमारे बॉडी के स्मॉलेस्ट यूनिट हैं और वो सारे मिलके क्या बनाते हैं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल फॉर्म अ टिश्यू और वो क्या बनता है टिश्यू फिर है डिफरेंट टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन और सारे टिश्यू साथ में बन के क्या बनते हैं ऑर्गन बनते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम उसे हम क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एन ऑर्गेनिजम्स और अ लिविंग बींग इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ईच परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन और जो हमारा ह्यूमन बींग्स जो है बना होता है ठीक है वो किसका बना होता है अलग अलग ऑर्गन्स के साथ मिलकर बना होता है और सबका अलग अलग सिस्टम होता है अब देखो ये एक चार्ट जैसा दिया है फ्लो चार्ट जैसा सेल्स से क्या बनते हैं टिश्यू बनते टिश्यू से ऑर्गन बनते ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स यानी हम बनते हैं ऑर्गन सिस्टम क्या है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू कैरी आउट ऑल मेजर फंक्शंस ऑफ द बॉडी लेट अस लर्न अबाउट दिस सिस्टम सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से वो सारे वर्क करते साथ में किस तरीके से वो हमें देखना है स्केलेटन स्केलेटल सिस्टम क्या है प्रेस योर नीज एंड एल्बो दे आर वेरी हार्ड दे आर वाई दे आर हार्ड वो क्यों हार्ड है दे आर हार्ड बिकॉज ऑफ बॉन्स क्योंकि वो बॉन्स के बने हड्डियों के बने हैं अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बॉन्स देर आर 206 बॉन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने बॉन्स होते हैं 206 ऑल द बॉन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन और सारे साथ में ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं स्केलेटन जैसे कि आपको पिक्चर में दिया है द स्केलेटन गिव्स शेप साइज एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी और जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को क्या देता है शेप साइज और सपोर्ट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी और हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो क्या करता है प्रोटेक्ट करता है द स्कल प्रोटेक्ट्स अवर ब्रेन एंड द राइब्स प्रोटेक्ट अवर हार्ट एंड लंग्स जो स्कल है स्कल जैसे कि ऊपर दिया है ब्रेन में जो खोपड़ी जिसे हम कहते हैं ठीक है द स्कल प्रोटेक्ट अवर ब्रेन वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है राइब्स प्रोटेक्ट अवर हार्ट एंड लंग्स और जो राइब्स है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है ओके व्हाट इज नेक्स्ट मस्क्यूलर सिस्टम क्या है मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी दैट कवर द स्केलेटन सम ऑफ देम आर अटैच्ड टू द बोन्स द स्केलेटन वर्क्स टुगेदर विद द मसल्स टू मेक अवर बॉडी स्टैंड मूव एंड वर्क हमारी बॉडी को स्टैंड रखने के लिए मूव करने के लिए और वर्क करने के लिए देर आर मोर देन 600 मसल्स इन अवर बॉडी
हमारे बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स हैं। वी शुड एक्सरसाइज डेली टू मेक अवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, और हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी मसल्स जो है वो कैसी बने, स्ट्रॉन्ग। डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, हम किस लिए खाना खाते हैं, एनर्जी लेने के लिए। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म दैट अवर बॉडी कैन यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेशन, और जो हम जैसे कि रोटी का एक टुकड़ा खा रहे हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और उसमें से एनर्जी प्रोवाइड करना, वो सारा काम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर ऑर्गन्स दैट फॉर्म अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, वी टेक इन फूड थ्रू अवर माउथ, हमारे माउथ के थ्रू हम फूड को क्या करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं। इट इज़ च्यूड बाय टीथ एंड मिक्स विथ सलाइवा एयर, और वो माउथ में क्या करते हैं, हम उसे चबाते हैं और सलाइवा यानी जो लार होती है उसके साथ मिक्स करते हैं। दिस मेक्स द फूड सॉफ्ट, और ये क्या करता है, फूड को सॉफ्ट बना देता है। नेक्स्ट इज फूड पाइप, फूड पासेस डाउन थ्रू द फूड पाइप, और फूड पाइप के थ्रू जो है फूड पास होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले स्टमक में आते हैं। स्टमक, फूड इज चर्न एंड मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूस, और है ना हमारे जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है फूड। फिर नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर एंड फूड इज एब्जॉर्ब इन ब्लड, और जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पर कम्प्लीट होती है और जो ब्लड है वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है फाइफ्थ, लार्ज इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर इज एब्जॉर्ब हेयर, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन ले लेती है। और फिर आता है एनस, द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट थ्रू द एनस, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर की तरफ आता है। अब इसमें देखो क्या दिए हैं क्वेश्चन एमसीक्यू में, ब्लैंक गिव्स शेप टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को कौन शेप देता है, तो स्केलेटन। नेक्स्ट इज डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, वी कंटिन्यूसली ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू अवर नोज, हमारे नाक के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। द इनसाइड सरफेस ऑफ द वंस इज लाइंड विद मैनी स्मॉल हेयर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट एंड जम्स इन अवर बॉडी, और वो जो हेयर होते हैं वो डर्ट और जम्स को हमारे बॉडी में जाने से रोकते हैं। सो वी शुड ब्रीथ थ्रू अवर नोज बट नॉट थ्रू माउथ, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, माउथ के थ्रू नहीं करते। नोज, विंड पाइप एंड लंग्स टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या होते हैं, नोज, विंड पाइप और लंग्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर एंटर्स थ्रू अवर नोज गोज इनटू द विंड पाइप एंड फाइनली एंटर द लंग्स, द एयर वी ब्रीथ इन इज रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है उस एयर में, द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स एब्जॉर्ब दिस ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो लंग्स है उससे कैच करता है, एब्जॉर्ब करता है और सभी बॉडी पार्ट्स में उसे पहुंचाता है। द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एयर को हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं वो किस में बनी रहती है, उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्योरीफाइज अवर ब्लड, और ये जो सिस्टम है वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, अब हम क्या देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, पुट योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, व्हाट डू यू फील, अपने लेफ्ट साइड के चेस्ट पर अपना हाथ रखो, क्या फील होता है, यू फील द बीटिंग ऑफ योर हार्ट, आपकी हार्ट बीट जो बीट कर रही है वो आपको सुनाई देगा, फील होगा। आवर हार्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे सभी ऑर्गन्स को ये ब्लड जो है पम्प होता है हार्ट में। दिस ब्लड इज कैरिड बाई ब्लड वेसल, और ये कहाँ से किसके थ्रू जाती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में जाती है, टू पार्ट ऑफ द बॉडी। द हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले जो है बॉडी पार्ट में से ब्लड जाता है एक साइड से हार्ट में, वहाँ पे प्योरीफाई होकर दूसरे साइड पूरे पार्ट में फिर से वो फैलता है, तो ये पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हार्ट का। ओके,
What is next? Excretory system. Our body produce a lot of waste materials. हमारे बहुत body में बहुत से जो ऐसे waste materials होते हैं. Excretory system throw out waste materials from the body because they are harmful. और जो हमारी body है वो क्या करती है, उसमें से जो materials होते हैं waste material उसे क्या करती है, बाहर निकालती है, क्योंकि वो हमारी body के लिए बहुत harmful होते हैं. Some organs that help in excretion are किडनी, लंग्स एंड स्किन. और ये सारे क्या हैं, किडनी है, लंग्स है और स्किन है. वी हैव टू किडनीज, दे क्लीन ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन. वो हमारी बॉडी में से दो हमारे पास किडनी है, वो क्या करती है, ब्लड को क्लीन करती है और रिमूव करती है वेस्ट को यूरिन के थ्रू. व्हेन वी ब्रीथ आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय लंग्स. और क्या होता है, लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. स्किन थ्रू आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट एज स्वीट. और जो हमारी स्किन है उसमें से पसीने के थ्रू क्या निकलता है, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट, राइट. अब नेक्स्ट है नर्व सिस्टम. व्हाट इज नर्व सिस्टम? नर्व सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अवर एक्टिविटीज. हमारी सारी एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है, लर्निंग, थिंकिंग एंड एक्शन. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्व सिस्टम. ये सब क्या बनाते हैं, नर्व सिस्टम. The brain tells each part of the body what to do by sending message through nerves. क्या करना चाहिए, message by sending from all part of the body come to the brain through this nerves. वो brain में आता है. For example, when we are tired, our muscles send message to the brain. अगर हम थक जाते तो हमारी muscles जो है वो किसे, brain को message करती है. द ब्रेन ऑर्डर द बॉडी टू टेक रेस्ट. और जो ब्रेन है वो बॉडी को ऑर्डर देता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट करें, राइट. क्या दिया है, अवर मसल्स आर टायर्ड. मसल्स जो है वो मैसेज भेजेगी ब्रेन को, सेंड मैसेज, ठीक है, फिर नर्व्स तक. फिर ब्रेन जो है वो बॉडी को मैसेज सेंड करेगा और वो क्या मैसेज कर रहा है, टेक रेस्ट. तो ये है नर्व सिस्टम. टेक द करेक्ट आंसर में क्या है, अवर हार्ट इज लोकेटेड ब्लैंक ऑफ द चेस्ट. किस साइड में है, ऑन द लेफ्ट साइड. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्व सिस्टम. नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. व्हाट इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? देयर आर स्पेशल ऑर्गेन इन द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग बेबीज, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव. दे फॉर्म द reproductive system. Men and women have different reproductive system. You will study about them in higher classes. और आपको reproductive system के बारे में आपके higher classes में पढ़ने को मिलेगा. Thank you.